बात आज राजनीति की कर रहे हैं। पूरे झारखंड में तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में भीग गई है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल के लोग भिड़ चुके हैं। जितने भी पार्टी के सुप्रीमो हैं वो सड़क पे उतर चुके हैं। आज हम बात झारखंड मुक्ति मोर्चा की कर रहे हैं, जो झारखंड में एक बड़ी पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड संघर्ष यात्रा के माध्यम से हेमंत सोरेन पूरे झारखंड में भ्रमण कर रहे हैं। इस समय हम लोग बोकारो विधानसभा में हैं, जहाँ पर संघर्ष यात्रा होने जा रहा है। 16 फरवरी को सोनाबाद मैदान में ये संघर्ष यात्रा होने जा रहा है, जिसमें यह पूरा कारभार यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता राजेश महतो के कंधों पर दिया गया है। राजेश महतो इसमें एक बड़ी जुलूस करेंगे और अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे। राजेश महतो की तैयारियाँ कल से शुरू हो चुकी है, गांव-गांव राजेश महतो घूमने लगे हैं। लेकिन राजेश महतो के इस संघर्ष यात्रा को सफल बनाने के लिए और राजेश महतो के संघर्ष को मजबूत करने के लिए उनको अब साथ मिल चुका है बिहार के पूर्व मंत्री श्री अकलू राम महतो का, जो उनके पिता भी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री अकलू राम महतो जी भी हैं और अपने पुत्र की संघर्ष यात्रा को मजबूत करेंगे, जय इनसे जानते हैं। राजेश महतो के संघर्ष यात्रा को सफल बनाने के लिए आप गाँव-गाँव भी निकल चुके हैं। हमने कल से शुरू कर दिया है, बालीडीह होते हुए नारायणपुर तक आया है संघर्ष यात्रा में। लोगों को यही कहा कि 16 तारीख को शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन सोनाबाद के विनोद बिहारी स्टेडियम में आएंगे, उस स्टेडियम में भारी सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें हम भी रहेंगे, तमाम लोग रहेंगे और मजबूत शक्ति के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो उभरी हुई है उसका ताकत को यहाँ भी इजहार करेंगे। स्मरण हो कि हमने इस बोकारो क्षेत्र में एक बार नहीं कई एक बार लाखों वोट से जीत हासिल किया है और बिहार जैसे राज्य में हमने मंत्री पद हासिल किया है और अपने क्षेत्रों को संवारने के साथ साथ बिहार और झारखंड को भी संवारने का काम किया है, हमने शुरुआत कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को इसे राज से खदेड़ के निकालने का ये संकल्प है, यही संघर्ष। अच्छा सर, ये संघर्ष यात्रा है, इस संघर्ष यात्रा में जब सड़कों पे आप निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और आपके पुत्र इसको लीड कर रहे हैं, ऐसा ही संघर्ष आपने भी अपने जीवन काल में किया होगा, तो कैसा महसूस होता है, क्या लगता है कि आपके पुत्र कितना आगे राजनीति में जा पाए? बहुत आगे बढ़ चुका है, बढ़ेगा, नौजवान उनके कदम से कदम मिला के जा रहा है और हमारे साथी बुजुर्ग हैं तमाम, उसका आशीर्वाद मिल रहा है। अच्छा, तो इस संघर्ष यात्रा को सफल बनाने के लिए क्या रणनीति बनाया है, क्या तैयारी, क्या टिप्स दिया है? पूरी रणनीति के साथ में ये चल रहा है और ये रणनीति को आपको अमली जमा पहनाने के लिए आपको आना होगा सोनाबाद का विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में 16 तारीख को। उस दिन आपने आप आंकड़ा लगा लेंगे कि रणनीति क्या हो रही है। रणनीति का खुलासा कोई भी लोग नहीं करते हैं, रणनीति चल रही है, वो रणनीति आखाड़ा में दिखाया जाता है, रण क्षेत्र में दिखाया जाता है, इसीलिए रणनीति चल रही है, आइए साथ साथ घूमिए। अच्छा, इस बार आप पिता और पुत्र दोनों के लिए चैलेंज है, सोनाबाद स्टेडियम बहुत बड़ा है, तो लोगों का कहना है कि कितनी की आबादी में लोग आएंगे, मतलब कैसे भरेंगे? हम तो जीवन में चैलेंज ही चैलेंज किया है और चैलेंज से हम डरते नहीं हैं और हम ही सीख दिए हैं अपना बेटा अपने नौजवानों हमारे समर्थकों को कि किसी से चैलेंज से नहीं डरना है, चैलेंज से टकरा जाने का हुनर पैदा करना है और ये टकरा जाने का हुनर है। और इस बार बोकारो विधानसभा झारखंड मुक्ति मोर्चा राजेश महतो के हाथ में आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो सुना, ये पूर्व मंत्री थे अकलू राम महतो, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाला विधानसभा राजेश महतो के हाथों पे रहेगा, क्योंकि नौजवानों का साथ राजेश महतो को मिल चुका है और बुजुर्ग पहले से हमारे साथ थे, तो बुजुर्गों का आशीर्वाद भी राजेश महतो को आने वाला साथ समय में मिलेगा, क्योंकि राजेश महतो को अब उनके पिता का साथ मिल चुका है, इसलिए यह संघर्ष यात्रा अनोखा होगा, यादगार होगा, यह कहना है पूर्व मंत्री अकलू राम महतो का। अब तो ये देखने की बात होगी कि आने वाले
वाले 16 तारीख को कि कितने तादाद में लोग सोनाबाद पहुंचते हैं और इस संघर्ष यात्रा को सफल करते हैं। तो कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु, अंतर कथा न्यूज, तेली डी चास।